हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे बायोमॉलिक्यूल्स टॉपिक का, मतलब यूनिट वन के चैप्टर वन के न्यूक्लिक एसिड हेडिंग से लास्ट। और ये लास्ट बायोमॉलिक्यूल है जिसको हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम बायोएनर्जेटिक्स जो है यूनिट, इस यूनिट का दूसरा चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस पूरे वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, केमिकल नेचर देखेंगे, कंपोजिशन एंड नेचर दोनों, और बायोलॉजिकल रोल ऑफ द न्यूक्लिक एसिड हम देखेंगे। तो इस पूरे वीडियो में, मतलब कि जितना भी आपके सिलेबस में है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, वो इस पूरे वीडियो में इंक्लूड किया गया है इन ए सिंगल वीडियो। इससे पहले अपन ने जो भी बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े उसमें एक या दो या तीन पार्ट में उसको कंप्लीट किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट था। न्यूक्लिक एसिड में हमको बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, ठीक है, हमको डीएनए आरएनए नहीं बताना है ज्यादा, हमको इन बिटवीन थोड़ा बहुत उसका रखना है। तो इसलिए हम आज के इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाए समझाने के वक्त, तो आप इसको पेशेंसली देखिएगा टिल द एंड, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना कोई देरी किए हुए, और पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स है क्या? न्यूक्लिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड इन द 1871, ठीक है, द फ्रेडरिच मिस्टर जो है हु डिस्कवर्ड इट। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये एक तरह के पॉलीमर्स है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? एक तरह के पॉलीमर्स हैं, ठीक है। तो पॉलीमर हमने बहुत सारी जगह पढ़ लिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट में पॉलीमर्स पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने अभी अमाइनो एसिड्स में भी पढ़ा, प्रोटीन, प्रोटीन्स का एक पॉलीमर्स है, अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स। तो ऐसे न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसके पॉलीमर्स है? न्यूक्लियोटाइड्स के। तो क्वेश्चन ये कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड को हम पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, मतलब न्यूक्लियस में जनरली प्रेजेंट होने वाला है। हेरिडिटी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जनरली हेरिडिटी मतलब अनुवांशिक गुण जो है वो लिए हुए होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। एलिमेंटल कंपोजिशन, ये किन किन चीजों से मिलकर बनते हैं, इसमें मेन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दीज आर द मेन एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ एनी न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो है जनरली दो टाइप्स के हम उसको डिवाइड करते हैं, हम इसका और डिटेल क्लासिफिकेशन भी देखेंगे नेक्स्ट उसमें। तो सबसे पहले डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए बोलते हैं, और राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए बोलते हैं। तो दे आर द टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। दीज न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे फिर न्यूक्लियोसाइड पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है, और बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड आपस में जुड़ के डीएनए और आरएनए बना रहे, ठीक है। इस तरीके का इसका कंपोजिशन है। मैं यहाँ पे लिखने वाला था न्यूक्लियोटाइड, है ना, हम यहाँ क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब मैं थोड़ा थोड़ा माउस से लिखना सीख गया हूं। चलिए, तो न्यूक्लिक एसिड से हमको यहाँ पे समझ में आ गया है कि एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जनरली होते हैं, ये हेरिडिटी मटेरियल लिए हुए होते हैं, ठीक है, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल होते हैं, और जनरली पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड, दैट विल बी सी, बट बिफोर वी गोइंग टू दिस वी विल सी द व्हाट इज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस न्यूक्लिक एसिड्स। सो दीज आर द सेंट्रल डोमा ऑफ द लाइफ, इट मींस the DNA RNA which are the nucleotides nucleic acids, हमने देखा there are the two types of the nucleic acids DNA and RNA, they are forming the proteins and protein are the structural, किसी भी growth conversion के लिए हमारे cell division होगा तो protein बनेगा। तो DNA और RNA जो है जैसे वो हमारे लिए important है, वो हमारे formation करते हैं, तो central life role जो play करते हैं इनमें सारी, कौन से body organ कितना बनेगा, कैसा बनेगा, आपके मुंह का shape कैसा है, क्यों है, आपके heredity, आपके आपके हेयर, आपकी आईज, आपकी नोज, कान, आपके हैबिट्स, ये सब आपके पेरेंट्स से क्यों मिलती हुई है, ये आपके परिवार में किसी और से क्यों मिलती है, इसका कारण ही ये डीएनए आरएनए है। तो ये सेंट्रल डोमा जो है ऑफ द लाइफ बनाते हैं। तो डीएनए का, डीएनए में
वापस से बन जाना, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से बताते हैं, डीएनए से एक नया डीएनए बनना यह रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहलाता है। मतलब डीएनए जो है वापस घूम के डीएनए बन जाए तो हम इसे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहेंगे। डीएनए का आरएनए में बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए का प्रोटीन में बनना दैट इज ट्रांसलेशन कहलाता है। ये हमारी यूनिट फोर में दिया हुआ है, पूरी यूनिट फोर जो है वो इस डीएनए आरएनए और इसी तीन पूरी बेसिक मेथड पर डिपेंडेंट है। तो इसको हम डिटेल उसी में पढ़ते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। व्हाट इज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जीनोम, जेनेटिक कोड, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब हमको यूनिट फोर में दिया हुआ है। ठीक, तो उस यूनिट फोर को जब हम पढ़ेंगे तब हम इन सभी रेप्लिकेशन डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए आरएनए की इंपॉर्टेंस आपको और वहां से पता चल जाएगी जब हम उस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो अभी तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो भी न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ रहे हैं वो डीएनए आरएनए है, और डीएनए आरएनए जो है उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, बहुत बड़ा। ठीक है, सब कुछ इन्हीं पर डिपेंडेंट चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड हम देखेंगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डीएनए। अपन दूसरा पेन ले लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे हमें डीएनए और यहाँ पे आरएनए ले लेते हैं। तो डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फंक्शन क्या है इसका? स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल का है। राइबोन्यूक्लिक एसिड फंक्शन क्या है? टू ट्रांसफर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म टू प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को लेके जाना भैया, ये तो लिए हुए है जेनेटिक मटेरियल, ये क्या क्या है इसके पास इन्फॉर्मेशन, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को बना देगा कौन, उसको बनाएगा कौन, उसके हिसाब से काम कौन करेगा, वो करेगा आरएनए। ठीक है, तो आरएनए जो है वो तीन तरह का होता है, होता है मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए, ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। तो राइबो मैसेंजर आरएनए मतलब मैसेंजर है, तो इट कैरी द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये टेम्पलेट की तरह काम करता है कि क्या बनना है प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोमल, द आरएनए अलोंग विद द प्रोटीन्स फॉर्म द राइबोसोम्स व्हिच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सम ऑफ देम हैव द कैटालिटिक एंड एंजाइम्स कोएंजाइम फंक्शन एज वेल। तो आरआरएनए जो है वो एज ए एंजाइम की तरह भी वर्क करता है। टीआरएनए ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये करता है। तो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम जो ये करता है, ये मैसेज लेकर आता है कहां से? डीएनए से। ठीक है, और ये उसको बनाने का काम है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए का सभी का रोल होता है। ठीक है, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर सोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन एल्कोहल, स्लाइटली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, बट रीडिली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, डायल्यूट अल्कली, फॉर्मिंग अल्कली सॉल्ट्स। दे आर प्रेसिपिटेड बाय द एसिल और बाय द एक्सेस ऑफ एसिटिक एसिड। द फेलुग्निक टेस्ट डिफरेंशिएटेड डीएनए आरएनए, इफ द डीऑक्सीराइबो शुगर इज प्रेजेंट, ठीक है, इट इज द रेड कलर, सॉरी, द रेड कलर इज प्रोड्यूस विद द डाई। द राइबो शुगर डज नॉट एग्जिबिट दिस रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब आरएनए में हमको कलर नहीं मिलेगा, डीएनए में हमको कलर मिलेगा क्योंकि उसमें डीऑक्सीराइबो शुगर होती है। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म यही है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। नाउ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड का केमिकल नेचर क्या होता है? या हम ये बोलें कि न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो न्यूक्लिक एसिड का जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा था, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, एंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ द टू कंपोनेंट्स, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड जो है वो फिर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, बेसिस और शुगर्स। शुगर्स और बेसिस जो है वो दो दो तरह की होती है। बेस जो होती है वो प्यूरीन बेसिस हो सकती है या पिरिमिडीन बेसिस हो सकती है। प्यूरीन बेसिस जो है फर्दर क्लासिफाई होती है इनटू डिफरेंट टाइप्स, और पिरिमिडीन जो है वो फर्दर क्लासिफाई होती है डिफरेंट टाइप्स। राइबो शुगर, ठीक है, मतलब शुगर दो तरह की होती है, राइबो शुगर और डीऑक्सी राइबो शुगर। तो राइबो शुगर होगी तो जिसे कि आरएनए में राइबो शुगर होती है, डीऑक्सी राइबो मतलब कि डीएनए में राइबो डीऑक्सी राइबो शुगर होती है। इन दोनों में अंतर सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है। राइबो शुगर में से एक ऑक्सीजन चला जाएगा तो वो डीऑक्सीराइबो शुगर कहलाएगा। सो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बोल रहे हैं।
या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोल रहे हैं, ठीक है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, या हम इनको बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। सो पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इज नोन एज द, तब हम इसको नीचे से चलते हैं, बेसेस आपस और शुगर आपस में जुड़ेंगे तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ ज्वाइन हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो वो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इसके अगले और डिटेल्स के बाद। तो हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, तो हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या है, तो वहां पे भी हम बता चुके थे, फिर से देख लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड गिव द न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच कैन बी कंसीडर द यूनिट मेकअप ऑफ द पॉलीमर्स, फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ द न्यूक्लियोसाइड्स, इनको फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ द न्यूक्लियोसाइड भी बोलता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ द थ्री पार्ट्स, ठीक है। तो हाइड्रोसाइक्लिक बेसिस, या जिसको हम नाइट्रोजन बेसिस भी बोलते हैं या सिर्फ बेस भी बोलते हैं, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो सीधी सिंपल सी बात यह है कि ये दोनों मिलके जो है वो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोसाइड्स का जब हम फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड बना लेता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है, व्हेन द राइबोस और टू डीऑक्सीराइबोस इज कंबाइंड विद द प्यूरीन और पिरिमिडिन बेस, न्यूक्लियोसाइड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो हमने ये बोला है राइबोस शुगर बेसिस और फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड जो है वो सिर्फ इतना कंपोजिशन है, उसको जब हम बोलेंगे तो ये इतना कंपोजिशन है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ फॉस्फेट का अंतर है ना, फॉस्फेट होगा तो न्यूक्लियोटाइड, नहीं होगा तो न्यूक्लियोसाइड। चलिए, तो सबसे पहले इन तीनों चीजों में से हमको, अब हमने ये तीन चीजें पढ़ी, फॉस्फेट शुगर और बेसिस, तो इनका भी डिटेल हम देखेंगे, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन में हमको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाता है फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन क्या है, H3PO3 होता है, मोनोवेलेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड डाइवेलेंट ऑक्सीजन ग्रुप, ऑल लिंक्ड टू द पेंटावेलेंट फॉस्फोरस एटम, ठीक है। तो दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड, यही अटैच्ड है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम शुगर्स पे, तो हमने बोला था दो तरह की शुगर्स होती है, राइबो शुगर और डीऑक्सी राइबो शुगर। तो दोनों ही रिएक्शन, दोनों ही जो शुगर है वो कौन सी है, पेंटो शुगर है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था राइबो शुगर, ठीक है। तो राइबो शुगर जो है वो जनरली आरएनए में होती है, जनरली क्या आरएनए में ही होती है, ठीक है। और डीऑक्सी राइबो शुगर जो है वो डीएनए में होती है, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड में से। डीऑक्सी का इट मींस विदाउट ऑक्सीजन है, तो विदाउट ऑक्सीजन कहाँ पे है जरा हम ये देख लेते हैं। तो ये जो है ये राइबो शुगर है, ठीक है। तो इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके इस 2 नंबर के हाइड्रोजन और इसमें, ये दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, अगर 2nd नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप है तो वो राइबोस शुगर है, और अगर इसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है तो उसे हम डीऑक्सी राइबोस बोलते हैं। मतलब आप ये मानिए कि सिर्फ एक एलिमेंट ना होने से शुगर का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज होने का न्यूक्लिक एसिड ही कुछ और बन गया। तो एक एलिमेंट का हमारे बॉडी में कितना महत्व है, इस ये हमको दर्शाता है यहां से, सिर्फ एक एलिमेंट एक तत्व का, ठीक है। तो शुगर जो है वो जनरली हमारी दो तरीके की हमने देख ली, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। अब देख लेते हैं हम नाइट्रोजनस बेसिस या हाइड्रोसाइक्लिक बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस हमने बोला था कि दो तरह की होती है, ठीक है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है 2 प्यूरिन प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो एडिनाइन और ग्वानिन जो है वो दो तरह की प्यूरिन है जो कि आरएनए और डीएनए दोनों में ही प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है, ये प्यूरिन न्यूक्लियस है, और ये प्यूरिन के हमको दो बेसिस मिलते हैं, एडिनाइन एंड ग्वानिन। व्हाइल पिरिमिडिन जो है वो 3 तरह की होती है, 3 में से साइटोसिन जो है वो बोथ डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है, तो साइटोसिन बोथ में प्रेजेंट होता है। लेकिन वेयर इज द थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरेसिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए। तो ये तीनों बेस तो जो हैं, एडिनाइन ग्वानिन और साइटोसिन, ये डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं,
लेकिन थायमिन जो है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरेसिल जो है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो पिरिमिडिन जो है वो तीन तरह की बेसिस से बना, तीन तरह की बेसिस होती हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। उसमें से थायमिन जो है वो डीएनए में मिलता है और यूरेसिल जो है वो आरएनए में मिलता है। बाकी एडिनाइन प्यूरिन की दोनों बेसिस जो है वो डीएनए में भी मिलती है और आरएनए में भी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो यहां से हमारा एक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इन्हीं को फिर हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं इन द चार्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको समराइज कर लिया है पिरिमिडिन। हम इसको फिर से डिटेल देखेंगे, इंडिविजुअल बेसिस भी देखेंगे ना। ये एक सिक्स मेंबर रिंग है, टू नाइट्रोजन एटम होता है, वन और थ्री पोजिशन पे, और थ्री डबल बॉन्ड होते हैं। तो वन पोजिशन पे और थ्री पोजिशन पे जो दो नाइट्रोजन होते हैं और तीन डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसको हम पिरिमिडिन न्यूक्लियस बोलते हैं। पिरिमिडिन न्यूक्लियस के ही तीन फॉर्म्स होते हैं अलग अलग, थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक, प्यूरिन एंड रिंग जो है वो सिक्स मेंबर पिरिमिडिन रिंग को और एक इमिडाजोल रिंग, तो ये इमिडाजोल रिंग है या और ये पिरिमिडिन रिंग है, ये तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये तो सिमिलर है ये वाली रिंग, तो ये दोनों आपस में मिल मिलकर फ्यूज्ड रिंग बनाती है। ठीक है, पिरिमिडिन रिंग बोलते हैं। पिरिमिडिन रिंग से ये एडिनाइन और ग्वानिन का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम इंडिविजुअली एक एक बेस की एक एक रिंग को समझ लेते हैं तो हमको और ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो पिरिमिडिन क्या है? पिरिमिडिन जो है इट इज अ सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग द टू नाइट्रोजन एटम। तो हमने बोला कि टू नाइट्रोजन हमें एक और तीन पोजीशन पे, इससे हमको दो बेसिस मिलती हैं, दैट इज थायमिन। तो थायमिन को हम क्या बोलते हैं? तो अब आप देखिएगा टू फोर डाई ऑक्सी, तो टू फोर, तो ये टू पोजिशन है, ये फोर पोजिशन है डाईऑक्सी। ठीक है, फाइव मिथाई पिरिमिडिन, दैट इज थायमिन। साइटोसिन इज द टू ऑक्सी फोर अमाइनो, तो टू ऑक्सी फोर अमाइनो पिरिमिडिन। ठीक है, यूरेसिल इज टू फोर डाइऑक्सी, तो टू फोर डाइऑक्सी पिरिमिडिन। हाउ टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, अगर आपको इसे याद रखना है तो आप सबसे पहले जो है थायमिन का स्ट्रक्चर याद रखिए। थायमिन के स्ट्रक्चर में अगर आप सी एस थ्री मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे तो वो यूरेसिल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और यूरेसिल के स्ट्रक्चर में अगर आप यहाँ पे NH2 लगा देंगे तो वो साइटोसिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो दिस इज द वे यू कैन रिमेम्बर द पिरिमिडिन स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज प्यूरिन। तो प्यूरिन में हमने देखा था कि प्यूरिन फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड एज अ डेरिवेटिव ऑफ सब्सटेंस, प्यूरिन दैट डज नॉट अकर्स इन द नेचुरली देयर इन एज इंडिकेटेड बाय द स्ट्रक्चर एडिनाइन एंड ग्वानिन। एडिनाइन का जो है वो सिक्स अमाइनो प्यूरिन है, तो दिस इज अमाइनो, तो ये सिक्स पोजीशन है, हम देख रहे हैं कि ये सिक्स पोजीशन है, तो सिक्स अमाइनो प्यूरिन जो है वो आपको याद रखना है। ग्वानिन जो है वो टू ऑक्सो टू अमाइनो सिक्स ऑक्सो प्यूरिन है, तो ये टू अमाइनो और सिक्स ऑक्सो प्यूरिन है, तो ये टू अमाइनो, ये टू पोजीशन है, ये सिक्स पोजीशन है। ठीक है, तो आपको एडिनाइन का स्ट्रक्चर याद रखना है, उस पर सेकेंड पोजिशन पर ऑक्सीजन बनाएंगे तो वो ग्वानिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और भी नेचुरल जो है वो प्यूरिन न्यूक्लियस होते हैं, दैट इज कैफिन, थियोफाइलिन। कैफिन इज स्टिमुलेटिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थियोफाइलिन जो कि 1,3 डाइफिनाइल टू सिक्स 1,3 डाइमिथाइल, तो मतलब वन पोजिशन पे और थ्री पोजिशन पे दोनों पे मिथाइल ग्रुप आएगा, और टू फोर टू सिक्स तो टू पोजिशन पे और इस पे दोनों पे ऑक्सो ग्रुप आएगा। तो ये जनरली फाउंड इन द टी, हमारी चाय की पत्ती में मिलता है या हम जो चाय पीते हैं उसमें, और मेडिसिनली ये एक डायूरेटिक और फॉर द ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लिए अब कि दोनों तरह के बेसिस जो हैं वो किस तरीके से कंपोजिशन उन दोनों बेसिस का होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि इसके टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन रिंग्स के कैसे हो सकते हैं। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? तो ये कंपाउंड दैट एग्जिस्ट इन टू स्ट्रक्चर आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है, विच इज इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है, बाय द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द टॉटोमर्स एंड फिनोमेना इज नोन एज द टॉटोमेरिज्म। टॉटोमर्स जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द लॉर इन द 1885। एल्डिहाइड कीटोनो कार्बोलिन कंपाउंड्स जब हम पढ़ते हैं तो हमको उसमें टॉटोमेरिज्म देखने को मिलता है। टॉटोमेरिज्म में कुछ नहीं होता है, एक हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो प्रोटॉन मतलब एच प्लस हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हाइड्रोजन जो है वो अल्फा कार्बन से
माइग्रेट होगा इस ऑक्सीजन पे, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो इस तरफ आ जाएगा अल्फा कार्बन पे, तो ये दोनों जो है, तो जो जो कीटो फॉर्म होता है मतलब जो कार्बोनिल फॉर्म होता है उसे हम कीटो फॉर्म बोलते हैं या लेक्टम फॉर्म बोलते हैं, और जो OH फॉर्म होता है उस वो चूंकि अल्कोहलिक फॉर्म हो गया, अब ये अल्कोहल हो गया, ठीक है, या अल्कोहलिक फॉर्म हो गया, तो इसलिए इसे इनोल फॉर्म बोलते हैं या लेक्टिन फॉर्म बोलते हैं। सो यहाँ पे ये लिखा है द टॉटोमर कंटेनिंग हाइड्रो कार्बोनिल ग्रुप इज डेजिग्नेटेड एज द कीटो फॉर्म और लेक्टम फॉर्म एंड द अदर वन हैज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज और डबल बॉन्ड ऑफ द कार्बन इज नोन एज द इनोल फॉर्म, और दोनों को ही हम क्या कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, इसलिए इस टॉटोमेरिज्म हम क्या बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। तो पिरिमिडिन एंड पिरिमिडिन न्यूक्लियस भी जो है वो इसी तरीके टॉटोमेरिज्म को शो करती हैं, ठीक है, क्यों शो करती हैं, क्योंकि उनमें भी इस तरीके के डबल बॉन्ड हो और ग्रुप कंटेनिंग है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऐसे पिरिमिडिन और प्यूरिन न्यूक्लियस जिनमें की डबल बॉन्ड वो होता है वो टॉटोमेरिज्म शो करती है। नाउ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड अंडर अल्कलाइन कंडीशन, तो हाइड्रोलाइसिस को अगर हम देखते हैं तो हमने ये देखा कि एक्सपेरिमेंट शो दैट द टेस्ट इन द टेस्ट ट्यूब आरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड रैपिडली अंडर द अल्कलाइन कंडीशन बट डीएनए इज नॉट, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आरएनए हैज द टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरी पोजीशन पे आरएनए के मतलब इस पोजीशन पे आरएनए के हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए जनरली ये अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस शो करता है। डीएनए में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन होता है सेकेंड पोजिशन में, डीऑक्सीराइबोज जो शुगर होती है, ठीक है, तो इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, दिस एक्सप्लेन द आरएनए इज मोर ससेप्टेबल फॉर द अल्कलाइन अटैक बट डीएनए इज नॉट, तो साइक्लिक 2-3 मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड आर द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, विच इज लेटर ऑन इज डन जनरली इल्ड अ मिक्सचर ऑफ 2 and 3 न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट वो हो जाते हैं, तो दीज आर द रिएक्शन, आपको सिर्फ सिम्बोलिक रिएक्शन बतानी है, कहीं पे भी स्ट्रक्चर इसका नहीं लिखना है। तो ये केमिकल नेचर हो गया, ठीक है, तो इस बेसिस पे अब हमको ये मिलता है कि डिफरेंट टाइप के बेसिस उनसे बनने वाले न्यूक्लियोसाइड और उनसे बनने वाले न्यूक्लियोटाइड के क्या क्या नाम होंगे, तो प्रिंसिपल बेसिस न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, तो आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड और प्रिंसिपल बेस, तो आरएनए में हमने देखे कि थाइमिन नहीं होता है, तो एडिनाइन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, बाकी इसमें जो है सिर्फ जो डिफरेंस है वो किसका, थाइमिन का है, डीएनए और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें न्यूक्लियोसाइड बोलें या हम बोलें कि बेसेस का जो डिफरेंस है वो यही है। एडिनाइन जब न्यूक्लियोसाइड बनेगा मतलब जब ये शुगर से जुड़ेगा तो उसे हम एडिनोसाइन बोलते हैं, ग्वानिन जब जुड़ेगा तो उसे हम ग्वानोसिन बोलेंगे, साइटोसिन जुड़ेगा तो हम उसे साइटिडिन बोलेंगे, और यूरेसिल जुड़ेगा तो हम उसे यूरिडिन बोलेंगे, जब ये फॉस्फेट के साथ भी जुड़ जाएगा तो हम इसे बोलेंगे एडिनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट या एएमपी, ठीक है, हम जनरली ऐसे ही पढ़ते हैं एएमपी जीएमपी सीएमपी यूएमपी, तो ग्वानोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन 5 मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन 5 मोनोफॉस्फेट, यूएमपी सीएमपी, ठीक है, अब यहाँ पे और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर थी तो यहाँ पे डीऑक्सी शुगर आ जाएगी, ठीक है, तो हमने ये बोला कि जो है डीएनए और इसमें क्या होगा, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस प्लस शुगर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये बेस प्लस शुगर है, तो नाम तो वही रहेगा, लेकिन ये चूंकि शुगर इसकी जो है वो डीऑक्सी है तो इसलिए हमको यहाँ पे डीऑक्सी वर्ड यूज करना पड़ेगा, बाकी सब वैसा का वैसा ऊपर जैसा ही है, तो एडिनोसाइन यहाँ था तो ये डीऑक्सी एडिनोसाइन, ये ग्वानोसिन था तो ये डीऑक्सी ग्वानोसिन, ये साइटोसाइटिडिन था तो ये डीऑक्सी साइटिडिन, अब चूंकि यूरेसिल तो होता नहीं है डीएनए में तो थायमिन होगा तो डीऑक्सी थायमिडिन, इसी से बनने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनके नाम भी ऐसे होंगे, तो जो यहाँ पे सबके आगे डीऑक्सी वर्ड लग जाएगा, ठीक है, तो डीऑक्सी एडिनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट, और जो एएमपी था वो स्मॉल डी के साथ हम उसे मेंशन करेंगे जिससे कि ये पता चलेगा कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसमें जो शुगर प्रेजेंट है वो एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है, ऐसा हम बाकी सब में भी करेंगे। चलिए और आगे देख लेते हैं हम, तो दिस इज द स्ट्रक्चर जिसमें कि जनरली इन सभी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड और प्रिंसिपल अमाइनो एसिड्स का या बेसिस का हम बोले कि जिसका यूज होता है।
ठीक है। तो डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में तो ये सिंगल हेलिकल होता है, डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों में से बहुत से लोग पढ़े भी होंगे पहले। नाउ कम टू द बायोलॉजिकल रोल, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर द मेन ग्रुप ऑफ एनर्जी इन द मेन बायोकेमिकल रिएक्शन लाइक द एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यूडीपी, जीडीपी एंड सीडीपी। प्यूरीन एंड पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स आर इन्वॉल्व्ड इन द वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस लाइक द एनर्जी मेटाबॉलिज्म, प्यूरीन मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब बेसेस नाइट्रोजन, बेसेस शुगर और फॉस्फेट। कंपोनेंट्स ऑफ द कोएंजाइम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, ठीक है, एफएडी एंड एनएडी के, ये उसके स्ट्रक्चर में भी ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। शुगर डेरिवेटिव ऑफ न्यूक्लियोटाइड नेमली इज यूडीपी ग्लूकोज, पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ये हम देखेंगे जब हम साइक्लिक एएमपी पढ़ेंगे तो ये वाला एग्जांपल फिर से आएगा, ठीक है। तो ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट होता है, क्या होता है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट होता है ना। तो यूरिडीन डाइफॉस्फेट कहां से आता, अभी ऊपर से आया था, ये यूरिडीन 5-मोनोफॉस्फेट है ना। तो ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज होता है। सीटीडी मतलब साइटिडीन डाइफॉस्फेट जो है वो असाइल ग्लिसरॉल लिपिड डेरिवेटिव एट द इंटरमीडिएट ऑफ लिपिड बायोसिंथेसिस। साइक्लिक एएमपी एंड साइक्लिक जीएमपी सेकेंडरी मैसेंजर इन द हार्मोनल एक्शन, जो कि हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर 2 में दिया हुआ है बायो एनर्जेटिक्स में, ठीक है। जीडीपी एंड जीटीपी आर इन्वॉल्व इन द सिग्नल ट्रांजक्शन इन द पाथवे। तो दीज आर द मेन बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। बट न्यूक्लिक एसिड्स आर द टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। तो हम डीएनए और आरएनए के भी जो है वो बायोलॉजिकल फंक्शन यहाँ पे करेंगे और इसका फार्मास्यूटिकल यूजेस भी बताएंगे न्यूक्लिक एसिड का। तो परमानेंट स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, कंट्रोल ऑफ द आरएनए सिंथेसिस करता है, सीक्वेंसिंग ऑफ नाइट्रोजन बेस टू डिटरमाइन द प्रोटीन डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सेल्स। द फंक्शन ऑफ द डबल हेलिकल फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज इंश्योर्ड दैट नो डिसऑर्डर अकर्स। दिस इज बिकॉज द सेकेंड आइडेंटिकल स्ट्रेंथ ऑफ डीएनए रन्स द एंटी पैरेलल टू द फर्स्ट, इट इज बैकअप इन द केस लॉस्ट एंड स्ट्रेटजी। ये बैकअप भी होती है, मतलब जो उल्टी चलती है तो डीएनए में 3-5 days और 5-3 days ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है, वो हम देखेंगे यूनिट 4 में। तो ये हमने थोड़ा बहुत इस डीएनए आरएनए के बारे में बताया। सिंथेसिस ऑफ सिंथेसाइज बाय द डीएनए फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द प्रोटीन बाइंडिंग एपरेटस इन द सेल। सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन यूजिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इट हैज ट्रांसपोर्टेटेड एमआरएनए, जो कि जिसको मैसेंजर न्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। आरएनए इज आल्सो डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड स्पेशली डीएनए टू कैरी आउट द वाइटल रोल इन द ह्यूमन बॉडी। इन पर्टिकुलरली न्यूक्लिक एसिड प्ले एसेंशियल रोल इन द मायोसिस मिटोसिस एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम फार्मास्यूटिकल यूजेस भी देखेंगे। इन न्यूक्लिक एसिड का से बहुत सारी ड्रग्स बनाई जाती है, तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या होगा इन द सिंथेसिस ऑफ एनालॉगस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो फार्मास्यूटिकल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कार्डियोवेस्कुलर एंड ऑटो इम्यून डिसीज के लिए ये यूज होती है। सबसे ज्यादा यूज जो है वो एंटी कैंसर ड्रग में है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। एनालॉगस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड मतलब हम न्यूक्लिक एसिड के मिलते जुलते ड्रग्स बना रहे। द फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज परस्पेक्टिव ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बेस्ड ऑन द थेरेपी प्रेजेंट इन द कॉम्प्रेंसिव अकाउंट ऑफ द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में भी इसका यूज होता है। कंट्रोलिंग द जीन रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है। केमिकली सिंथेसाइज एनालॉगस, तो प्रिपेयरिंग बाय अल्टरिंग, केमिकली सिंथेसाइज एनालॉगस कैसे बना सकते हैं, बाय अल्टरिंग द हेट्रोसाइक्लिक रिंग और शुगर मॉइटी, ठीक है। तो जो भी न्यूक्लियोटाइड है या तो उसके हेट्रोसाइक्लिक रिंग को आप अल्टर कर दीजिए, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा या उसके शुगर मॉइटी में कुछ अल्टर थोड़ा सा अंतर कर दीजिए। कीमोथेरापेटिकली टू कंट्रोल द कैंसर एंड इन्फेक्शन, ठीक है। एलोप्यूरिनॉल जैसे कि इन द ट्रीटमेंट इन द हाइपर यूरेनियम एंड द गाउट डिसीजेस। 5-फ्लोरोयूरासिल, 6-मर्केटोप्यूरिन, 8-गुनाइन, 3-डीऑक्सीयूरिडीन, 5-6-एज़ायूरिडीन, 5-6-एज़ासाइटिडीन, 5-आयोडोयूरेसिल आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ठीक है। द कंपाउंड विच ब्लॉक द, तो कैंसर ड्रग्स में मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि सेल के प्लोरीफ्लोरेशन को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, जिसके एजोथायोप्रीन विच सप्रेस द इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ये भी एक इसका जो भी स्ट्रक्चर और बेसिस है वो भी न्यूक्लिक एसिड जैसा ही है। एराबिनोसाइल
एडिनाइन जो है इट इज यूज्ड इन द न्यूरोलॉजिकल डिसीज एंड वायरल एनसेफलाइटिस, और एरबिनोसाइटोसिन जो है दैट इज यूज्ड इन द कैंसर थेरेपी एंड इंटरफेयर्स विद द डीएनए एप्लीकेशन. ज़ाइडोवुडिन, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा. इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स. इट इज ऑल्सो ए sugar moiety synthetic nucleic acid analogous of the nucleic acid zidovudine. So these are the application and different pharmaceutical we can say significance of the nucleic acid, jiske karan humko jab structure pata hoga nucleic acid ka tabhi to hum uske jaise dikhne wale compounds bana payenge. So this is the overall nucleic acid hamara yahan pe khatam hota hai, theek. Aur हमने इसमें सब कुछ देख लिया, उसका केमिकल कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड बायोलॉजिकल रोल, ठीक है. तो होप आपको ये समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिएगा, आपको जरूर जवाब मिलेगा. थैंक यू, थैंक यू. नेक्स्ट हम नेक्स्ट अब यूनिट नेक्स्ट इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट